अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज एक राउंड सर्कल बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे पॉलीगॉन, उसमें जाएंगे ग्राफ पेपर के नाम से, ये एक टूल है जिसकी डी शॉर्ट है। यहाँ पे 10x8 हमने लिख लिया है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद दोबारा हम जाएंगे स्मार्ट फिल टूल में। स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम यहाँ पे इन बॉक्सेस में कलर फिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ से इस तरफ कर लेते हैं। इतना करने के बाद बाहर की जो हमारी लाइन ड्रा की थी हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे वेल्ड कर देंगे। ये हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना करने के बाद इसके अंदर हमें कुछ फिल करना है गोल्ड किस्म का, तो हम यहाँ से एक फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। एक इमेज है हमारे पास गोल्ड जो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये वाला हम यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। टेक्स्ट को पेज अप की मदद से ऊपर ले आते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड इसमें यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा इस तरीके से। हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ से इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं राइट क्लिक की मदद से। इसके बाद हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है, तो हम दोबारा एलिप्स टूल में जाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से हम एक सर्कल कंट्रोल को होल्ड करते हुए ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद इसकी यहाँ से हम आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से बाहर की तरफ क्लिक करते हुए दोबारा राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने से हमारे इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को हम अंदर की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फ्री हैंड टूल में मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसे सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ से इसे मूव कर देंगे और इसकी एक कॉपी दूसरी तरफ यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो बीच का एरिया है हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ से फिल कर लेंगे स्मार्ट फिल टूल की मदद से। ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है। उसके बाद हम ये लाइनर है यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने अभी इसको इस बॉक्स के अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे इफेक्ट में और यहाँ पे इनवेलप कंट्रोल F7 इसकी शॉर्ट की है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइड पे इनवेलप का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक आई ड्रॉपर शेड नज़र आ रहा है आपको शायद, ये क्रिएट फ्रॉम, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हमने यहाँ पर इस बॉक्स किस तरह चेंज करना है तो इसके अंदर हम करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये इस तरीके से ही बॉक्स बन चुका है। इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये देखें आप उसी तरीके से ये बन चुका है। शिफ्ट सी और ई की मदद से हम यहाँ पे इसके अंदर ले आते हैं और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे।
उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस सर्कल को यहाँ पे इस बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इतना कर लेने के बाद हम यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसके बाद कंट्रोल आर की मदद से इसे यहाँ से रिपीट कर देंगे। इस तरीके से हम अपना खूबसूरत सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस आउटलाइन की भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर